दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज़ और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि प्रिंट जो हम निकालते हैं उसका एक बहुत अच्छा तरीका। देखें, जब भी आप प्रिंट निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, फाइल में जाना पड़ता है, वहां पे प्रिंट सेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि प्रिंट हम सिर्फ एक क्लिक में कैसे निकाल सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो कैसे देखेंगे। इसके लिए बहुत छोटी सी मैंने कोडिंग की है और वो मैं कोडिंग आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से करेंगे। देखें, यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू प्रिंट प्रीव्यू। इसमें आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाने लगेगा। आप प्रिंट प्रीव्यू में आए, इसका यहीं से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए देखें आपको एक चीज़ सेट करनी पड़ेगी। पहले वो ये करना पड़ेगा कि जब आप प्रिंट में आएंगे तो आपने ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है वो कौन सा है। अगर आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के बारे में देखें तो आप स्टार्ट में आएंगे, डिवाइस ये आ जाएंगे डिवाइस एंड प्रिंटर में, और आपके पास अगर एक से ज़्यादा प्रिंटर हैं तो वो यहाँ पे शो करेंगे। तो उसमें आपने राइट क्लिक करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। आप देखें, इस सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर करना है आपने, बस इतना ही करना है। अब मैं आपको इसकी कोडिंग बताता हूँ। कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी कोडिंग है नहीं। कोडिंग में इसको पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट कैसे निकलेगा। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये मैसेज आ रहा है क्योंकि मेरा प्रिंटर इस समय रेडी नहीं है। अब मैं प्रिंटर रेडी करूँगा तो ये कमांड मेरी प्रिंटर में जा चुकी है। अब आप देखेंगे, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखेंगे आप, ये मेरी कमांड इसमें जा चुकी है। फाइल का नाम है इनवॉइस फॉर्मेट और इसकी ये पेज वन की कमांड जा चुकी है। तो इसकी कोडिंग के बारे में बता दूं, आपने डेवलपर में आना है, विजुअल बेसिक में आना है। ये इसकी कोडिंग है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इस पे काम करना है। आपने पहली बात तो कोई भी आपने दो पिक्चर्स यहाँ पे ले लेनी है। जैसे मैं एक बार और पिक्चर ले कर दिखा देता हूँ आपको। मैं मान लीजिए ले लेता हूँ, मान लीजिए ये पिक्चर ले ली मैंने। आपने ये पिक्चर ले ली, इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो में आए। जैसे ही आप मैक्रो में आएंगे यहाँ पे न्यू मैक्रो में आ जाएंगे। न्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको मान लीजिए प्रिंट प्रीव्यू देखना है आपने इससे, तो उसके लिए सिंपल कोड ये है, एक्टिव शीट डॉट प्रिंट प्रीव्यू। देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, एक्टिव शीट डॉट प्रिंट प्रीव्यू। आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, चाहे तो आप वैसे लिख लें, शीट डॉट प्रिंट प्रीव्यू। अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसने प्रिंट प्रीव्यू दिखाना शुरू कर दिया। अगर इसमें आपने प्रिंट का बनाना है तो प्रिंट के लिए इसमें ही राइट क्लिक, असाइन मैक्रो में, जैसे ही आप आएंगे इसको एडिट कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये मैंने एक मैक्रो लिया है यहाँ पर। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैक्रो में आपको लिखना भी बता देता हूँ कि आपने जो लिखना है एक्टिव विंडो लिखना है डॉट सेलेक्टेड शीट्स डॉट प्रिंट आउट स्पेस। यहाँ पे प्रिंट आउट के बाद आपने स्पेस लेना है। जूम कर लेते हैं इसको, कॉपीज और कॉलन लगाएंगे, इक्वल वन, नीचे कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, कॉलेट स्पेस अंडरस्कोर। आपने ये चीज़ ध्यान देनी कि लास्ट में आपने स्पेस देना है फिर अंडरस्कोर लगाना है, स्पेस और इसके बाद बराबर ट्रू कोमा। अब इसके आगे आपने देना है, फिर स्पेस देना है, फिर देना है इग्नोर प्रिंट एरियाज बराबर फॉल्स, तो ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको, जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे अभी इसने कुछ एरर दे दिया है, एक्टिव विंडो यहाँ पे डब्लू रह गया हमारा। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे ये आपका प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट दोनों का काम करने लगा। इस समय इसने प्रिंट कमांड दे दी। अब आपका प्रिंटर रेडी होगा तो ये प्रिंट निकल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तरीका आपको पसंद आया होगा और ये आपके इनवॉइस में अच्छा भी लगेगा। अगर आप इनवॉइस बनाए हैं उसमें प्रिंट देने के लिए बार बार आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, सीधे यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। तो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएँ
जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।